बहकी सभी जुबां है हम है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम ऐसे जगह पर आ चुके हैं जो बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ऐसे ग्राउंड में जहां पर हमारे क्रिकेटर अनुकूल राय जी खेलते थे। देखिए यही स्टेडियम है, इसी में वो खेलते थे। और मेरे पीछे देख सकते हैं जो कितना अच्छा ये ग्राउंड है, और मेरे पीछे अभी भी मेला लगा हुआ है। तो चलिए मैं आगे पूरा व्यू दिखाता हूँ इस ग्राउंड का, और कैसे क्या यहाँ पर प्रैक्टिस होता है पूरी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देख सकते हैं जो यही हमारे कोच भैया है जो सिखाते हैं लड़के लोगों को। तो भैया आप कुछ बोल सकते हैं कि जो कैसे आप क्या ट्रेनिंग कराते हैं यहाँ पर? क्रिकेट का कैंप चलता है, एकेडमी हमारा क्रिकेट क्लब, बाकी दर्शकों को हाई। हाँ, तो यहाँ पर कोई भी भैया आके ज्वाइन कर सकता है। तो कुछ अपने बारे में जानकारी दे दीजिए, जो कैसे क्या फीस लगता है और कैसे आप फीस क्या लेना। खेलने का इच्छा आई और मिलिए, फिर ज्वाइन कीजिए। गाइस आप देख सकते हैं जो भैया का कितना बड़ा दिल है, जो बोल दी है जो आइए आप यहाँ पर आके आप खेल सकते हैं। और इनका नेट भी आप देख सकते हैं जो कितना अच्छा है। पर देख सकते हैं जो मेरे पीछे कुछ भैया लोग हैं जो गोला फेंक रहे हैं। भैया आप कौन चीज की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा बता दीजिए तो हमारे ऑडियंस को। बिहार पुलिस, बिहार पुलिस के भैया लोग तैयारी कर रहे हैं। कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग देख ही सकते हैं। और पीछे भी हमारे कुछ भैया लोग हैं, और इधर भी है देख सकते हैं। देखिए उधर भी मेरे एक भैया है। तो भाई भैया लोग हमारे ऑडियंस को एक बार हाई बोल दीजिए तो आप लोग। तो गाय जी यही वो कैंप है जहाँ पर हमारे समस्तीपुर के अनुकूल राय खेलते थे, यहीं से वो निकले थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो अभी बंद है, बच्चे लोगों का छुट्टी है। उधर जो एक कैंप था उसमें कोच साहब खिला रहे थे। तो गाय जी अभी मैं आप लोगों को अब पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ पटेल मैदान का, जो कैसे क्या यहाँ पर भैया लोग प्रैक्टिस करते हैं और कैसे यहाँ से निकलते हैं बच्चे लोग। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए, हम ना। देख सकते हैं जो मेरे पीछे जो कोच भैया है, भैया लोगों को कुछ सिखा रहे हैं बैट बॉल कैसे खेलना है। तो आप चारों साइड का एरिया का व्यू दिखा देता हूँ जो कैसे क्या है इस ग्राउंड का। तो देखिए मेरे पीछे ही कुछ वहाँ पर मेला लगा हुआ है जो कुछ दिन पहले लगा था, फिर अभी भी बचा हुआ है। तो चलिए मैं आगे भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइज आज तक के लिए बस इतना ही था, फिर से मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइज।